नमस्कार दोस्तों, आखिरकार इजराइल ने मैदान में एंट्री मारी दिया। इजराइल ने भारत को ओपनली बोला है कि पाकिस्तानियों को ठोको, बुरी तरह से बर्बाद करो, उसे नस्तनाबूद करो। दोस्तों, इजराइल के नया प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जो भारत को दिया है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है। चाइना से लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में जब भारत पे ड्रोन अटैक हुआ था, उस समय सब भारतीय आर्मी को दोष दे रहा था, बोल रहा था कि भारतीय आर्मी क्या कर रहा था, सो रहा था क्या दोस्तों, इस तरह की बातें सब कर रहा था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ दोस्तों। हम लोग तो मिसाइलें का इंतजार कर रहा था, बड़े बड़े ड्रोन का इंतजार करते थे, लेकिन यहाँ पे खिलौना वाला ड्रोन हम पे छोड़ दिया, यानी कि पीछे से आके हम पे अटैक कर दिया बहुत ही कम ऊंचाई पे। यानी सिंपल से बात करें तो जितना ऊपर कोई छत होता है ना, उतना ही ऊपर दोस्तों ये ड्रोन उड़ा और हमारा रेडार उसे पकड़ नहीं पाया, और यही कारण है कि हम पे वो गिर गया, हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। इतना ही दोस्तों, ये ड्रोन सफलतापूर्वक खास तौर पे जहाँ पे टारगेट था वहीं पे गिरा। दोस्तों पूरी दुनिया हैरान हो गया था, क्योंकि जम्मू के जिस एयरबेस के पास ये ड्रोन गिरा था ना, ड्रोन वहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, इतना ही नहीं बड़े बड़े कॉलेज, बस अड्डा, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा तो पॉपुलेशन था। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का 50 से 100 ड्रोन गिरा देता तो क्या होता, समझिए तांडव मच जाता दोस्तों। इसीलिए हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत था, लेकिन हमारे सैनिक सब सवाल उठा रहा था। अब इसी बीच भारत सरकार को इजराइल ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। बड़ी बात यह है, इस दोफा से पाकिस्तान चीन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। पाकिस्तानियों खासतौर पर आतंकवादियों को अब चुन चुन के मारा जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादी अपने घर में घुस जाए तभी उसे मारा जाएगा। इजराइल ने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। खासतौर पर कई सारे लोग बोल रहा था कि इजराइल भारत से नाराज है, खासतौर पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने जो किया, इजराइल बहुत ही गुस्सा में है। इजराइल का जो नया प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, वो तो कट्टरवादी है, वो तो भारत को साथ देगा ही नहीं, क्योंकि वो भारत से पंगा लेगा, क्योंकि भारत ने खासतौर पर वोटिंग से बाहर हो गया, भारत खासतौर पर फिलिस्तीन का साथ दिया दोस्तों, इस तरह की बातें सब कर रहा था। लेकिन यहाँ पे नफ्ताली बेनेट ने साफ कर दिया कि इजराइल में चाहे प्रधानमंत्री कोई बने, चाहे हम आए या फिर कोई और आए, लेकिन भारत मेरा हमेशा मित्र था, हमेशा रहेगा, जब भी जो चाहिए हम देंगे, दिल खोल के देंगे, खासतौर पर पाकिस्तान को मिटाने के लिए हम सब कुछ दान दे देंगे, कोई सुने दोस्तों। इजराइल के इस फैसले से पूरे दुनिया में हरकम मचा हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ कर हुआ क्या है और हम लोग किस प्रकार से अब इस प्रकार के ड्रोन अटैक से पूरी तरह से बचेंगे, नहीं दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोस्तों आप लोग पहले एक बार जान लीजिए, अगर पाकिस्तान हो या फिर चीन हो या फिर कोई आतंकवादी हम पे खासतौर पे फाइटर प्लेन से हमला करेगा, या फिर किसी मिसाइल से हमला करेगा, या फिर किसी बड़े ड्रोन से हमला करेगा, उस समय हम लोग आसानी से उसे मार गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास दोस्तों कई प्रकार का डिफेंस सिस्टम, जैसे बराक 8 हो गया। इतना ही दोस्तों, भारत के पास ऑलरेडी BMD बन रहा है, इतना ही नहीं भारत ऑलरेडी S-400 ले रहा है, कह सकते हैं कि कई प्रकार का हमारे पास डिफेंस सिस्टम है बड़े बड़े हथियार के लिए। लेकिन छोटे मोटे खिलौना वाला ड्रोन के लिए हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं है, अगर हम लोग बनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा। और इसी बीच में अगर पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी आतंकवादी फिर से हमला कर दे दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए भारत ने इजराइल से एक मदद मांगा और इजराइल ने दिल खोल कर साथ दिया है। इजराइल ने बोला है कि जाओ पाकिस्तान को उड़ा दो। दोस्तों इजराइल आप जानते हैं एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है ना, जिसका नाम है SMS-2000। दोस्तों ये दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे बोलते हैं SMS-2000। दोस्तों उसका एक खासियत और है, ये कोई बड़े बड़े मिसाइल में नहीं लगा सकते, आराम से उसे कोई भी राइफल होता है ना, सिंपल सा राइफल होता है ना, असल्ट राइफल, उसे लगा दीजिए और कोई भी आर्मी आराम से छोटे मोटे ड्रोन को उड़ा देगा। सिंपल से बात करें, मान लीजिए जिस प्रकार का ड्रोन अभी आया हम पे, अगर हमारे पास SMS-2000 होता है ना, तो हम लोग आराम से देखते उसे उड़ा देते। दोस्तों ये एक आदमी अपने हाथों से राइफल के थ्रू से उड़ा सकता है, इतना ये बेहतरीन है, इतना एडवांस है, जैसे ही हवा में गया फिर ड्रोन को ढूंढ के मारेगा, इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है, इजराइल किसी को बेचता भी नहीं, इजराइल बोलता है कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, अगर इसे हम बेच देंगे तो फिलिस्तीनी आतंकवादी हम पे तो रॉकेट पे बौछार कर देगा, ड्रोन का बौछार कर देगा। दोस्तों इसीलिए इजराइल उसे नहीं बेचता है, और जो लेता है उसे भारी भरकम रकम लेता है। लेकिन इजराइल पहली बार भारत को ओपनली दिल खोल के देने का अनाउंस किया है।
आप जानते हैं 2020 में भारतीय सेना ने ऑलरेडी इसराइल से SMS 2000 मांगा था। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम देंगे। दोस्तों भारतीय नेवी को, आप जानते हैं भारतीय जल सेना को जरूरी है। मान लीजिए भारत का जो कोई एयरक्राफ्ट करियर है या फिर कोई बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है दोस्तों, उस पर अगर किसी छोटे मोटे ड्रोन से हमला हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, हमें तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारे आर्मी को बहुत भयंकर नुकसान होगा। इसीलिए हमने इसराइल से मांगा था, इसराइल ने उस समय हाँ कर दिया था और भारी मात्रा में भेजने का अनाउंस कर दिया था। अब पहली बार भारत सरकार बोल रहा है कि जो हथियार डील यानी कि SMS 2000 हम अपने नेवी के लिए किए थे, अब हम अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए करेंगे, इंडियन आर्मी के लिए करेंगे और बहुत जल्द हजारों की मात्रा में ये SMS 2000 मंगाएंगे। दोस्तों इसका दो वेरिएंट है, एक तो है SMS 2000, एक है SMS 2000 प्लस। बड़ी बात यह है भारत को इजराइल SMS 2000 प्लस एंट्री ड्रोन सिस्टम देने जा रहा है और इससे पाकिस्तान को चुन चुन के मारा जाएगा। दोस्तों उसका खूबिया है, मान लीजिए 120 मीटर ऊपर यानी कि धरती से 120 मीटर ऊपर चाहे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, छोटा मोटा जो भी ऑब्जेक्ट हो या फिर ड्रोन हो, उसे आसानी से मार गिराएगा यानी कि निसंकोच मार देगा, उसे कोई टेंशन नहीं है और कोई भारी भरकम काम नहीं दोस्तों, आराम से कोई एसएल टफर में लगा दो खत्म कर देगा। इतना ही नहीं इसमें एक खासियत और है, ये दुनिया का सबसे एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम है। दोस्तों मैं भारी भरकम ड्रोन की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे ड्रोन के लिए और खासतौर पर आतंकवादी जो चीनी ड्रोन खरीदता है, क्लोनल ड्रोन खरीदता है, वो अब कभी भी सफल नहीं होगा। दूसरी ओर बात करें तो आने वाले वक्त में भारत को हो सकता है इजराइल ये टेक्नोलॉजी दे भी दे। दोस्तों आप जानते हैं भारत इजराइल का कितना अच्छा मित्रता है, भारत ने आज तक जो भी इजराइल से मांगा है इजराइल ने दिल खोल के दिया है। तो उम्मीद यह है कि भविष्य में हम लोग यह हथियार खरीदेंगे भी और साथ ही इजराइल से हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो दुश्मन है वो इजराइल के लिए है। आप जानते हैं पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, तो निसंकोच इजराइल ये टेक्नोलॉजी भारत को दे देगा। इन सब के अलावा दोस्तों दुनिया में एक संदेश गया है, आज दुनिया जान चुका है कि इजराइल भारत का बेशक कुछ भी बात हो, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा है, कोई भी कुछ हो, लेकिन जब भी कभी दुश्मन का बात आता है, जब भी कोई गंभीर मुद्दे की बात आता है, उस समय इजराइल और भारत एक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर साबित हो गया है और इजराइल अपना मित्रता निभा दिया है, बता दिया है कि हमारे यहाँ PM कोई भी हो लेकिन हम भारत के लिए अपना जान तक दे देंगे। अब यहाँ पर आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा, आखिरकार इजराइल हर क्षेत्र में आगे क्यों रहता है, खासतौर पर छोटे मोटे काम में बहुत ही आगे रहता है, ऐसा क्या है उसमें। देखिए आप जानते हैं भारत पाकिस्तान में जब युद्ध होगा ना तो कोई बड़ा हमला होगा, लेकिन फिलिस्तीन आतंकवादी के पास छोटा मोटा रॉकेट है, इसीलिए इजराइल उसी प्रकार का हथियार बनाया है, यानी कि जो चाहिए फिलिस्तीन को वही इजराइल देता है। दोस्तों इसीलिए इजराइल आज छोटे मोटे हथियार के मामले में सबसे आगे है, चाहे आयरन डोम हो उसका या फिर ये SMS 2000 प्लस हो। दोस्तों ये सब अपने आप में दुनिया का सबसे एडवांस खासतौर पर डिफेंस सिस्टम कह लीजिए। दोस्तों अगर भविष्य में भारत के पास ऐसा हथियार आ जाता है ना खासतौर पर, तो पाकिस्तान का कहानी ही खत्म हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा।